और मैं यही कामना करता हूँ कि मचेल माता पूरे जम्मू कश्मीर को, हमारे पूरे देश को सुख समृद्धि दे और शांति बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ मचेल मीडिया और सभी दर्शकों का पहाड़ मचेल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बैसाखी के शुभ अवसर पर यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे एसपी साहब डीओकाम साहब आए हुए हैं, तो उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करते हैं आज उनसे, और आपको भी जानकारी उसके बारे में देने की कोशिश करते हैं। सर, पहली बार आपने बैसाखी मेले में शिरकत की है, तो इस संदर्भ में इस बार आप यात्रा को लेकर क्या रोल निभाने जा रहे हो और क्या तैयारी करने वाले हो? जो आज मचेल माता का दरबार वापस हुआ, इसमें जो यहाँ पर यात्रा शुरू हुई है उसके फोन के आरम्भ में अभी जो डीसी साहब कल यहाँ आए, एसएसपी साहब भी साथ, डीसी साहब ने यहाँ पे लाइट का, पानी का, यात्रियों के रुकने का पूरा जो रास्ता है ट्रैक उसको चल किया है, उसको देखा है, रोड के काम को किस तरह से डाइट करवाया जाए, यहाँ पे किस तरीके के लंगर के बंदोबस्त किए जाए, इस तरीके से सभी व्यवस्थाओं को आज हमने जायजा लिया है। और एसएसपी साहब ने यहाँ पे सिक्योरिटी यात्रियों की सुरक्षा का किस तरह मुहैया बंदोबस्त किया है उसको देखा है। जैसे कि आपको पता है कि जुलाई में कौन सा यात्रा शुरू होगी, उस समय पर किस तरीके के बंदोबस्त करने हैं, टॉयलेट्स हैं, पानी है, उनका हमने यहाँ पर हमने ये क्या रखा है कि पूरी तरीके से यात्रा हो सुखद तरीके से। जो हमारा ये है कि जो भी यात्री आए यहाँ पर सुखद तरीके से आए, और डीसी साहब पूरे रास्ते पैदल आए हैं, उस रास्ते में जो यात्री पैदल आते हैं उनके किस तरीके की सुविधाएं वहाँ की जानी है, उनकी पूरी टीम के साथ आए। आज हम अभी बैठ करके यहाँ पर भी किस किस तरीके की सुविधाएं, सैनिटेशन की सुविधाएं, यात्रियों की रुकने की सुविधाएं, लंगर, जो सब कुछ सुविधाओं का जो वापस रास्ता है उसको किस तरीके, ठीक पानी की सुविधा, उन सब सुविधाओं को किए जाएगा जिससे यात्री जो यहाँ पर आए उनकी यात्रा सुखद हो, अच्छे ढंग से माता के दरबार में दर्शन करे। और मैं यही कामना करता हूँ कि मचेल माता पूरे जम्मू कश्मीर को, हमारे पूरे देश को सुख समृद्धि दे और शांति बनाए। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे, जैसे कि इससे पहले संस्था यात्रा चलाती थी लेकिन इस बार आपके कार्यभार में ये यात्रा चलेगी, तो क्या अनुमान है कि पिछले साल से भी चल रही है, यात्री आएंगे उन सबके दर्शन होंगे, जो भी यात्री आना चाहता है अच्छे ढंग से आए दर्शन। धन्यवाद।